नमस्कार दोस्तों, मैं मनी और स्वागत है आप सभी का हेल्थ मनी में। दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक है अदरक। अदरक के सेवन से हमें क्या क्या फायदे मिलते हैं, इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करेंगे। कृपया वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज करें, क्योंकि हमारे YouTube चैनल पे मिलती हैं हेल्थ से रिलेटेड तरह तरह के टिप्स और वीडियो। दोस्तों सर्दियों का समय है और ऐसे में अदरक फली चाय हर घरों में बनती है। गर्म चाय की चुस्कियाँ सर्दी का मजा और बढ़ा देती हैं। अदरक का औषधि के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों अदरक फली चाय स्वाद के साथ साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद है। अदरक में एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल और एंटी ऑक्सीडेंट के गुण पाए जाते हैं, जो सिर दर्द, सर्दी जुकाम और अपाचन की समस्या में राहत दिलाते हैं। सर्दियों में चाय, कॉफी और सूप पीने से शरीर को आराम मिलता है। अदरक में विटामिन ए, विटामिन ई, आयरन, विटामिन डी और कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। मित्रों ज्यादा समय ना लेते हुए सीधे टॉपिक पर आते हैं और जानते हैं अदरक खाने के कुछ महत्वपूर्ण फायदों के बारे में। फायदा नंबर वन, अदरक के फायदे इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाने में। दोस्तों अदरक में एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं, जो कई बीमारियों से बचाने में मददगार हैं। अदरक में विटामिन भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो शरीर को ऊर्जा देते हैं। फायदा नंबर टू, अदरक के फायदे सर्दी जुकाम में। दोस्तों अदरक का इस्तेमाल सर्दी जुकाम के लिए रामबाण की तरह कारगर है। सर्दी जुकाम होने पर अदरक की चाय और अदरक का काढ़ा पीने से आपको बहुत आराम मिलेगा। अदरक में इलायची पाउडर, तुलसी और नींबू की चाय पीने से सर्दी जुकाम से निजात मिलती है। फायदा नंबर थ्री, अदरक के फायदे संक्रमण से बचाव में। दोस्तों अदरक में एंटीबैक्टीरियल गुण होने से अदरक शरीर की एलर्जी और इन्फेक्शन से बचाने का काम करती है। अदरक शरीर को बीमारियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करती है। फायदा नंबर फोर, अदरक के फायदे पाचन शक्ति को दुरुस्त करने में। दोस्तों अदरक के इस्तेमाल से पाचन क्रिया मजबूत होती है। इसके इस्तेमाल से पेट दर्द और गैस की समस्या से निजात मिलती है। सर्दियों के मौसम में अदरक में नींबू और काला नमक मिलाकर पीने से पाचन क्रिया मजबूत होती है। फायदा नंबर फाइव, अदरक के फायदे वजन कम करने में। दोस्तों मोटापे के शिकार लोगों के लिए अदरक में चाय का सेवन बहुत फायदेमंद है। अगर आप वजन घटाना चाहते हैं तो अदरक पानी या अदरक चाय का सेवन जरूर करें। अदरक में कोर्टिसोल होने से पेट की चर्बी व शरीर में जमी अतिरिक्त चर्बी कम होती है। दोस्तों अगर आप वजन घटाने के बारे में सोच रहे हैं तो अदरक का ये नुस्खा जरूर अपनाएं, ये आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। फायदा नंबर सिक्स, अदरक के फायदे कैंसर में। दोस्तों अदरक में कैंसर जैसी भयानक बीमारी से शरीर को बचाए रखने का गुण होता है। यह कैंसर पैदा करने वाले सेल्स को खत्म करता है। एक शोध के अनुसार से अदरक स्तन कैंसर पैदा करने वाले सेल को बढ़ने से रोकता है। फायदा नंबर सेवन, अदरक के फायदे सभी प्रकार के दर्द में। दोस्तों अदरक में सभी प्रकार के दर्द से राहत देने की इसकी क्षमता इसे बहुत ही खास बनाती है। चाहे आपके दांतों में दर्द हो या सिर में, अदरक का जूस बहुत असरकारक है। शोधों के हिसाब से या माइग्रेन से बचने में भी आपकी भरपूर मदद करता है। दोस्तों अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है तो आप अदरक का सेवन जरूर करें, ये आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। तो देखा दोस्तों अदरक से हमें कितने सारे फायदे मिलते हैं। अगर आप अदरक का सेवन नहीं करते हैं तो प्लीज आज से इसे अपनी डाइट का महत्वपूर्ण हिस्सा जरूर बनाएं और इन सारी बीमारियों से छुटकारा पाएं। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। क्या दोस्तों ये वीडियो आपको वाकई अच्छा लगा, या लगता है ये वीडियो आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर को हेल्प कर सकता है, तो प्लीज अपने व्हाट्सएप पे जाएं, इस वीडियो का लिंक कम से कम 5 लोगों को शेयर करें। शेयर करने से क्या होगा, शायद उनके जीवन में कोई बदलाव आए या कोई खुशहाली और वो आपको धन्यवाद बोले। इसके साथ साथ मेरा भी मैसेज उन लोगों तक पहुंच पाएगा। दोस्तों अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज करें, साथ में घंटी वाला बटन जरूर दबा दें, ताकि जो वीडियो आने वाला हो वो सबसे पहले आपको मिल सके। यदि इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मिलती है मोटिवेशन दूसरी वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।